हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम आए हैं जगदीश जी महाराज जयपुर से, जो कि गोने रोड पे पड़ता है। और ये तकरीबन इसकी जो दूरी है जयपुर से वो है 18 किलोमीटर। तो अभी हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। और रास्ते में आपने देखा होगा कि कितने सुंदर सुंदर नज़ारे थे, और जो कि रोड की कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिस कारण से यहाँ पे मतलब इजीली कोई भी बंदा आ सकता है। और बीच रास्ते में हमें कई जगह फ्लाईओवर्स भी मिले हैं, और रोड की कंडीशन आपने देखी होगी कितनी शानदार है। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा तालाब भी बना हुआ है, तो तालाब के बारे में रोहित बताएगा कुछ। तालाब में अभी पानी बहुत कम हो गया है। आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो तालाब का पानी लगभग पूरा भरा रहता था तालाब। अच्छा, और इधर जाने का रास्ता कौन सा? इधर ये रास्ता जो है ये इस तरफ से जाता है ये। और आज हमारे साथ जो है उनमें अनुज है, अनुज है, रोहित है और सुनील भैया, सुनील भैया है। ये क्या चीज है? दाल। दाल। अभी जन्माष्टमी का दिन गया है अभी परसों, तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। और एकादशी पे तो यहाँ पे मेला टाइप का लगता है, जिस कारण से यहाँ पे दर्शन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मालपुए की जो है स्टॉल्स जो आप देख पाओगे बहुत सारी लगी हुई है। यहाँ की स्पेशलिटी यही है, आपको दूसरी मिठाई मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मालपुआ और खीर का ही भोग चढ़ता है जगदीश जी महाराज के। और जगदीश जी महाराज की एक बात ये है कि लोग बाग इसको जगदीश जी महाराज बोलते हैं, बट इस मंदिर का पूरा नाम है श्री लक्ष्मी जगदीश जी महाराज। तो हमने भाई 500 मीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, और यहाँ से अब पैदल जा रहे हैं हम। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि संध्या का टाइम है। तो भाई ये जो मंदिर है 500 साल पुराना मंदिर है, और इधर यहाँ पे मान्यता है कि मतलब हर एकादशी को यहाँ पे मेले की तरह से लोग आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और होटल वगैरह की व्यवस्था भी है जो कोई आता है दूर से, और यहाँ पे धर्मशाला भी है अगर आप रुकना चाहे तो। तो भाई जो गोने रोड के जगदीश जी महाराज है, इसको जयपुर का वृंदावन भी कहा जाता है, और यहाँ पे उसी तरीके से दर्शन होते हैं। तो हम अभी रिसेंटली वृंदावन भी जाकर आए थे, तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि आसपास का जो मार्केट है वो भी काफ़ी सुंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉल्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी लगी हुई है। तो यार पहुँच गए हैं जगदीश जी महाराज के सामने। तो ये है कुछ मेन गेट, और यहाँ पे लगी हुई है भीड़, और थोड़ा कीचड़ हो रहा है यार, क्योंकि अभी बरसात आकर गई है। दुकान आपको हर जगह मिलेगी यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, तो प्रसाद लीजिए। और यहाँ पे देखिए पदयात्रा आई है कोई, तो जी आपको सामने दिख रहा होगा आरती का समय वगैरह सब कुछ दिया हुआ है सामने। और ये है मुख्य परिसर जिसमें हम अभी एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखे यार, ये बना हुआ है कुछ मंदिर। मंदिर के विषय में बताइए कब बना? देवदास जी बाबा थे। हाँ हाँ, 1615 के अंदर। अच्छा, 1615 में। हाँ, प्रकट हुए थे भगवान जगदीश महाराज। ये किसानों के देवता माने जाते हैं ना? है? किसानों के? हाँ, किसानों के देवता माने जाते हैं। 500 वर्ष पुराना है मंदिर। इसकी स्थापना किसने की थी? देवदास जी बाबा। देवदास जी बाबा ने। आज 40 पुत्र हैं उनके, 40 परिवार, 40 परिवार है। विकी के कल्याण जी, आमेर की शिला माता, हनुमान जी, गोनेर जगदीश भगवान। हाँ, गोनेर के जगदीश जी महाराज। ये कलयुग के साक्षात है। अच्छा, सच्चे मन से निर्मल मन जन सो मोहि भाव। निर्मल मन से जो कोई आकर के भगवान को स्मरण कर लिया ना, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये चमत्कार आप देख लो। अच्छा, सावन और भादवा 2 महीने तो अथा भीड़, सावन और भादवा में। तो दोस्तों हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं, और अब चलते हैं बाहर की तरफ और अपने मालपुए वगैरह लेते हैं यहाँ से, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यार खराब भी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये। Gracias.
हम आ गए हैं तांबी मालपुआ भंडार पे। तो इनके ओनर से पूछते हैं कि यार ये मालपुआ ही क्यों चढ़ाया जाता है और इसकी क्या खासियत है और देसी घी और इनके क्या क्या रेट्स हैं और इसके अलावा भी मतलब मालपुआ के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जगदीश जी महाराज की चढ़ाई जाती है। तो सर आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार तांबी। मुकेश कुमार तांबी, तो अपना इनके बारे में बताइए कि मालपुआ ही क्यों स्पेशली चढ़ता है जगदीश जी महाराज को? जगदीश जी महाराज के भोग अंदर का बाहर का मालपुआ का लगता है। अच्छा, पुराने टाइम से यही भोग लग रहा है, मतलब 500 साल से जब से मंदिर स्थापित हुआ है तब से मालपुआ ही लग रहा है, फिर मालपुआ का ही भोग लगता है। ओके, तो इसलिए दूसरी कोई मिठाई की दुकान ही नहीं दिखी हमें, सिर्फ इस मालपुए की और उसकी मिली है, प्रसाद यही चढ़ता है अंदर बाहर। इसका क्या रेट चल रहा है अभी? देसी घी के 200 रुपए किलो हैं। देसी घी का 200 रुपए किलो और तेल वाले हैं 80 रुपए 100 रुपए किलो। बाकी इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं मालपुए के अलावा? टिपोरे हैं, टिपोरे जो मिर्ची के होते हैं, और खीर है, दाल है। और इनका रेट क्या क्या है? खीर 100 रुपए किलो है, खीर 100 रुपए किलो, दाल 80 रुपए, टिपोरे 150 रुपए, दाल 80 और टिपोरे हैं 150 रुपए, 150 रुपए किलो। और ये जो खीर है गाय के दूध की होती है भैंस के दूध की? नहीं, ये डेयरी का दूध है, भैंस का आता है, भैंस का दूध है। तो यार दिखने में तो काफी डिलीशियस दिख रहे हैं और सारे टाइम ये चलती रहती है। ये आप किस टाइम लगाते हो ये चीज? 7 बजे से, सुबह 7 बजे से शाम को 7:30 बजे तक ये चलता ही रहता है। ये देखिए लगे हुए हैं और लगातार इनकी जो कढ़ाई है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक चलती रहती है। तो जी हमने सबने मतलब जो भी आए हैं हमारे साथ में सभी मालपुए लेके जा रहे हैं। तो जी ये है दाल, ये है मिर्ची के टकोरे और ये है खीर। ये स्टार्टिंग में आपको पड़ेगा बिल्कुल तालाब के जस्ट सामने, चूँकि आपको यहाँ तालाब हमने गाड़ी खड़ी की है उसी तालाब के सामने ही है और मंदिर यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर रह जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद। तो जी हमने ले लिया अपनी पोटली, चलो।